ভোট ঘোষণার প্রাক্কালে ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল কেন্দ্রের মোদী সরকার। বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে প্রায় 85,000 কোটি টাকার রেল প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি ভার্চুয়াল মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে মালদাতেও বেশ কিছু রেল প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। তার মধ্যে মালদা টাউন স্টেশনে রয়েছে জন ঔষধি কেন্দ্র এবং ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্টের স্টল। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মালদা টাউন স্টেশনে হাজির ছিলেন ইংরেজবাজারের বিধায়ক শ্রী রূপা মিত্র চৌধুরী, হাবিবপুরের বিধায়ক জোয়েল মুর্মু, রেলের মালদা ডিভিশনের ডিআরএম বিকাশ চৌবে সহ আরো অনেকেই। रेल परिवार के लिए मालदा डिवीज़न के सभी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज जो ये आपने देखा एक विकास महोत्सव के रूप में इसको संबोधित किया गया। 85,000 करोड़ से ज़्यादा की रेल परियोजनाएं, सेवाओं में सुधार, ये सब आज उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है और कुछ सुविधाओं का लोकार्पण भी आज हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसमें वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, दोहरी लाइन, मल्टीपल लाइन, इसके अलावा जन औषधि केंद्र, रेल कोच, रेस्टोरेंट, मतलब जो सर्विसेज रेलवे प्रोवाइड करता है उनका सुधार, जो मूलभूत ढांचा है रेलवे का उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में आधुनिकीकरण और विस्तार। तो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रेलवे एक इंजन ऑफ ग्रोथ पूरे देश के लिए है और इसको विकसित करते रहना ये सरकार का दायित्व है। मालदा स्टेशन पर जैसा कि अगेन बताया गया है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के 2 स्टॉल्स यहाँ पर चालू किए गए हैं और इसमें लोकल प्रोडक्ट्स जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिनको डेवलप किया है वो सारे प्रोडक्ट्स अब उपलब्ध रहते हैं, जैसे मालदा में मैंगो पिकल इस तरह की चीज़ें और चाय। इसके अलावा यहाँ पर जन औषधि केंद्र चालू किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो जेनेरिक मेडिसिंस हैं वो सस्ते दाम पर और सही गुणवत्ता वाली मेडिसिंस आपको उपलब्ध हो पाएँ। यहाँ पर जो जन औषधि केंद्र है इसको मैं बता दूँ कि हम लोगों ने जो निविदा की थी, जो टेंडर किया था, उसमें 0 रिज़र्व प्राइस रखा था और 0 रिज़र्व प्राइस के तहत केवल 100 रुपये के दाम पे इनको ये ओपन टेंडर में ये इनको अलॉट हुआ है। तो इससे ये इंसेंटिव है कि कोई दाम बढ़ा करके बेचने का किसी प्रकार से उनके ऊपर दबाव नहीं है। जो मेडिसिन यहाँ पर मिलेंगी, मैं आपको बता दूँ कि जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उसका एक PMBI एक ब्यूरो है, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, तो उसकी सॉफ्टवेयर, उसके सौजन्य से ये पूरा काम होगा, उसकी सॉफ्टवेयर से ही बिक्री होगी। तो जो गुणवत्ता वाली बात है ख़ासतौर से दवाइयों के मामले में ज़रूरी है तो उसको भी इंश्योर किया जाएगा। तो ये सब सुविधाएँ यहाँ पर रहेंगी। आज के देशर प्रधानमंत्री तिनी भारतीय रेलर जन्य 85,000 कोटी टाकार नतून प्रकल्प তিনি শিলান্যাস করলেন এবং কিছু কিছু প্রকল্প তিনি উদ্বোধনও করলেন। এটা আমাদের কাছে একটা গর্বের বিষয় এবং আজকের এই শুভ দিনে আমরা এই 85,000 কোটি টাকার যে পরিষেবা পেলাম সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে, সারা পশ্চিমবাংলার মানুষের পক্ষ থেকে, মালদা জেলার পক্ষ থেকে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি ভারতীয় রেলকে आज के विकास उत्सव माध्यमे साधारण मानुषर का पौंछे देर बिराट परिकल्पना, बिराट जे स्वप्न, से स्वप्न के साकार कर सकल के मीडिया बंधुदे धन्यवाद जानाची जे आपनारा जात्राए आपनाराओ सहयोगी एवं सहभागी। सकल के हमार धन्यवाद, नमस्कार। मालदा टाउन स्टेशने बार बार आमरा देखेछी विकासेर जोयार, विभिन्न भावे उन्नयनेर जोयार आमरा एखाने देखेछी। आज के एकटी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टोर एवं सेई संगे जन औषधि केंद्र जेखाने प्राय 50% डिसकाउंटेड सबसिडाइज्ड आमरा जेनेरिक मेडिसिन सेगुलो पाबो। एवं सबचाइते बड़ो कथा, एई जन औषधि केंद्रते आमादेर नारी शक्ति मातृशक्तिर जन्य एक टाकाय सैनिटारी नैपकिन पावा जाबे। आमी धन्यवाद जानाच्छी
আমাদের ভারতীয় রেলের সমস্ত আধিকারিককে এবং বিশেষ করে মালদা ডিভিশনে যারা কাজ করছেন সমস্ত রেল কর্মীকে, সাধারণ সামান্য কর্মী থেকে অফিসাররা যেভাবে এই বিকাশ উৎসবে যোগদান করেছেন তার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আবার করে আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।